कलयुग का जो प्रभाव है ये सबकी बुद्धि में पड़ेगा। जैसे गर्मी है तो किसको नहीं पड़ रही, अब जो एसी में बैठा है उसको वो ताप समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही एसी है भगवान नाम, जो भगवान नाम का निरंतर आश्रय लिए हुए निरंतर नाम जप कर रहा है उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शेष कोई भी कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा साधक हो, यदि भगवान नाम से रहित है, वो नाम जप नहीं करता तो कलयुग बक्सेगा नहीं, चाहे जितनी बड़ी तपस्या आप कर रहे हो। एकमात्र उपाय है नाम का कीर्तन, नाम का जप, कलयुग से बचने का, नहीं तो कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन कहेंगे, सदाचारी और सद्गुणी और समाज में प्रतिष्ठित वही माना जाएगा जो धनी होगा। चाहे जितना गंदा आदमी हो, यदि उसके पास अधिक धन है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी और व्यवहार में उसका सम्मान किया जाएगा। जानते हैं कि चार हिंसा किए हैं तो जानते हैं उसका कैसे सम्मान होता है। बोले पता है तुम्हें कैसा आदमी, बड़ी धाक है, चार मर्डर किए हुए। अब आप बोलो, निंदनीय आदमी की वंदना की जाएगी, ये कलयुग का प्रभाव। बोले जानते हो बहुत चतुर है, न जाने कितनों को बेवकूफ बना दिया। अरे ऐसे आदमी की निंदा होनी चाहिए कि सम्मान, तो उसका सम्मान होगा, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सत्यता, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति, इन सब का लोप होता चला जाएगा। देखो कैसे, बिल्कुल अभी तो 5000 वर्ष ही हुए हैं। जिसके हाथ में शासन होगा वो धर्म और न्याय की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेगा, अपने अनुकूल व्यवस्था के अनुसार चलेगा। जिसके हाथ में शासन होगा वो मनमानी आचरण करेगा। विवाह संबंध के लिए कुलशील योग्यता आदि की परवाह नहीं करेंगे। देखो जो शास्त्र में लिखा है वही हो रहा है, ये कलयुग का प्रभाव है। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध माना जाएगा, ना कि शास्त्र या कुल परंपरा आदि से। व्यवहार की निपुणता सच्चाई या ईमानदारी से नहीं माना जाएगा, जो जितना छल कपटी दंभी होगा वो उतने ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। ब्राह्मण की पहचान नष्ट हो जाएगी, कहां रह गया। अब ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत केवल एक संस्कार मात्र होता है ब्याह के समय, वो भी वो थोड़ी देर पहन के खूंटी में टांग देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, कोई महत्ता नहीं रह गई। ना तो त्रिकाल संध्या है, न वैदिक मंत्रों का जाप है, न पवित्रता है, भ्रष्ट आचरण है। ब्राह्मण होकर शराब पिए, ब्राह्मण होकर के त्रिकाल संध्या न करे, सोचो कितने बड़े बड़े अपराध की प्रवृत्तियां उदय हो रही, कलिकाल का प्रभाव है। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल रहेगा। वस्त्र दंड कमंडल आदि से ही ब्रह्मचारी सन्यासी आदि आश्रमों की पहचान होगी। एक दूसरे के बाह्य चिन्हों को स्वीकार कर लेना ही आश्रम में प्रवेश माना जाएगा, ना कि तपस्या या सात्विक सद्गुण या भजन। केवल बाहरी वेश परिवर्तन ही साधुता का प्रतीक होगा। जो जितना घूस देने में समर्थ है उसे उसी को न्याय मिलेगा। जो जितना धन खर्च कर सकता है उसी की समाज में प्रतिष्ठा होगी। जो घूस नहीं दे सकता, जो धन से असमर्थ है, उसको न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। अदालतों से ठीक ठीक न्याय ना मिल सकना, बोल चाल में जो जितना चालाक होगा वो उतना ही बड़ा विद्वान पंडित माना जाएगा। जो शास्त्र कह रहा है वही आज हो रहा है वर्तमान में। असाधुता की पहचान होगी गरीब होना, जो गरीब है वही असाधु है, और जो धनी है जितना दंभ कर ले, जितना पाखंड कर ले, वो उतना ही बड़ा साधु माना जाएगा। जितना नाटक दिखा सके उतना ही साधु बड़ा माना जाएगा। शास्त्री विधि विधान संस्कार आदि की कोई परवाह नहीं करेगा। सुंदर बाल संवार लिए, कपड़े संवार लिए, यही स्नान माना जाएगा। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के महामहिमा में गंगा गोमती आदि तीर्थों की अवहेलना कर देंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल रखाना, उनको सुंदर सजाना, यही सुंदरता का चिन्ह रह जाएगा। सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा जैसे भी बने पेट भरने की व्यवस्था हो जाए, यही पुरुषार्थ होगा। जो जितनी ढिठाई से बात कर सके उसे उतना ही सच्चा माना जाएगा। चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण होगा कि तुम कैसे किसकी कितनी बेईमानी कर लेते हो, उतने ही तुम महान पुरुष हो।
कलयुग का प्रभाव होगा कि जो जितने चतुराई से बेमानी कर ले, जितना धन दूसरे का चुरा ले, उतना ही बड़ा वो महान माना जाएगा। अरे बोले समझते हो कितनी बिल्डिंगें बनी, अब कितने वो बेईमानी से बना रहे, इससे कोई मतलब नहीं। धर्म का सेवन केवल यश के लिए किया जाएगा, केवल लोग बड़ाई करें कि बड़े धर्मात्मा पुरुष ने पौशाला खुलवाया है, देखो साधु सेवा करते, देखो बंगला बनाते, ये सब उसका उद्देश्य होगा यश, ना कि भगवत प्रसन्नता। कलिकाल में ऐसे दोष प्रकट होंगे कि सबके शरीर छोटे होने लगेंगे, भोग वासना बढ़ जाएगी, शरीर रोग से ग्रस्त होंगे, वर्ण और आश्रम धर्म बतलाने वाले शास्त्र गुप्त हो जाएंगे, और जो पाखंडी लोग हैं वो शास्त्रों का अर्थ अपने हिसाब से करेंगे। बस सामने शास्त्र रखा है, अब स्वयं भजन है नहीं, अनुभूति है नहीं, तो अपने जैसे हमारी वासनाओं की पूर्ति हो वैसे शास्त्र का अर्थ बताएंगे। जो हिंसा, झूठ, निरपराध लोगों को दंड देना, चोरी करना, ये सब वृत्तियां बढ़ने लगेंगी, चारों वर्ण सूत्र के समान हो जाएंगे, गौएं बकरियों की तरह हो जाएंगी, बहुत कम दूध देने वाली हो जाएगी, गौओं का आदर खत्म होने लगेगा। आप देखो कुत्ते पाले जाते घर में, कुत्तों को बिस्कुट पवाया जाता है, महकुआ साबुन लगाया जाता है, और कार में ट्रॉली डोली कह के चुम्मी लेते हुए बैठाल के डुलाया जाता है, और गाय को डंडा अगर दरवाजे खड़ी हो जाए तो डंडा मार के भगा दिया जाता है। ये कलयुग मुक्का महाराज का प्रत्यक्ष देखो प्रभाव। जो गौ समस्त देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है, अगर वो एक ग्रास के लिए दरवाजे पे खड़ी हो तो हम डंडा मार के भगा देंगे, और भय क्या है कहीं गोबर न कर दे, क्योंकि गोबर परम पवित्रता का स्वरूप है और वो अपवित्र हृदय वाले हैं, तो डरते हैं कहीं गाय पेशाब न कर दे, क्योंकि सारे तीर्थ उसके पेशाब में वास करते हैं। गाय कोई साधारण पर, और गाय का गोबर और मूत्र परम पवित्र है। जब पहले दीक्षा दी जाती थी तो पंच गव्य पिलाया जाता था, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये पंच गव्य है, इसके पाने से कितना भी पतित हो पावन हो जाता है। तो आज गाय दरवाजे पे खड़ा होती है तो डंडा मारा जाता है, भगा दिया जाता है, और कुत्ते को प्यार किया जाता है। कैसा समय आ गया है, अभी तो 5,000 वर्ष का है, 4,32,000 क्या क्या होगा। और जो घर गृहस्थी वाले हैं वो केवल भोग सामग्री संपन्न करना एकाग्रता से, कैसे भोग सामग्री एकत्रित हो और भोग भोगना बस इतना ही केवल रह जाएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, अतिथि सत्कार है, साधु सेवा है, ये सब भाव हटते चले जाएंगे। धान, जौ, गेहूं आदि ये बहुत छोटे छोटे पौधे होंगे, और अन्न भी जहरीला होने लगेगा। देखो फेंका जाता है जहर, ये जो शरीरों में रोग हो रहे हैं, अन्न में जो खाद लगाई जाती है, जहर छिड़का जाता है, उसका प्रभाव अन्न में होता है, शरीरधारियों के ऊपर उस अन्न का प्रभाव पड़ता है। वृक्ष में अधिकांश छोटे छोटे पौधे रह जाएंगे, कटीले रह जाएंगे, जो बड़े बड़े वृक्ष रस वाले फल देने वाले हैं वो सब अंतर ध्यान होते जाएंगे। ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े आम के वृक्ष सूख रहे हैं, नकली छोटे छोटे हो जो अब वो पौधे बढ़ रहे हैं। बादलों में बिजली तो चमकेगी परंतु वर्षा नहीं होगी, गृहस्थों के दरवाजे पर साधु और अतिथि का सत्कार नहीं होगा, ब्राह्मण वेद ध्वनि से रहित हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या घटती चली जाएगी, सुने सुने गांव हो जाएंगे। कलयुग का ऐसा प्रभाव कि मनुष्य गधे जैसा स्वभाव वाला हो जाएगा, केवल विषयों को भोगना और विषयों का बोझा ढोना, ना शास्त्र से मतलब है ना संतों से मतलब है। कलयुग का ऐसा प्रभाव कि समस्त धर्म लुप्त हो जाते हैं, लोग पाप में रति करते हैं, सदग्रंथ केवल रखे रहते हैं, कोई सदग्रंथों को पढ़ करके अपने आचरण में नहीं उतारता। दंभी लोग, पाखंडी लोग, कंचन कामनी की लालसा रखने वाले लोग शास्त्रों का अर्थ बताने लगे हैं, कल्पना करके बहुत अलग से पंथ निकाल लेते हैं। सभी लोग मोह के बस हो गए हैं, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया है। हे ज्ञान के भंडार गरुड़ जी महाराज, मैं कलयुग के धर्म कहता हूं, इनको सुनो, हरि भजन के प्रताप से, इन आचरणों से बच जाओ तो कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कलयुग में कोई वर्ण धर्म नहीं मानता, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, यदि अपने वर्णाश्रम धर्म से चलोगे तो तुम्हें इनसे वैराग्य हो जाएगा, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाएगा। पर कलयुग का ऐसा प्रभाव कि कोई अपने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा से नहीं चलता। ये वर्णाश्रम धर्म किसी की कल्पना नहीं है, स्वयं भगवान कहते चातुर्वर्णम मया सृष्टा,
मेरे द्वारा ही चारों वर्णों की सृष्टि हुई है। वेद कहता है ब्राह्मणो सुमुखमासी बाहु राजन्यः कृतः ऊरु ततश्चद्वैश्याः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ है, यदि वो वेदाध्ययन और भगवत भजन और अपने ठीक ब्रह्मत्व का पालन नहीं करता है तो निश्चित नर्कगामी बनेगा। छत्री भुजाओं से प्रकट हुए हैं, उदर से वयस्य और जंघाओं से चरणों से शूद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। सब अपने अपने धर्म का पालन करें तो निश्चित उन्हें वैराग्य हो जाएगा संसार से, भगवत प्राप्ति की योग्यता आ जाएगी। पर कलयुग का ऐसा प्रभाव कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेगा। सब स्त्री पुरुष वेद का विरोध करेंगे, वेद की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ब्राह्मण अगर वेद पढ़ेंगे भी तो बेचने के लिए, वेद बेचने के लिए। कितने की कथा होगी, बोले इतने की होगी, बेचना है। हम भगवत चर्चा करें, कोई एक अरब आके चढ़ा दे तो क्या श्री कृष्ण कथा की कीमत एक अरब हो सकती है क्या? पूरा त्रिभुवन नहीं हो सकता। तो भगवत प्रसाद से जो मिले उससे अपने उदर का पोषण करें। अगर जिसे श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं है, धन पर भरोसा है, तो भागवत का अधिकारी नहीं कहने का। भागवत या भगवत चर्चा करके अगर धन कमाने की लालसा है तो भागवत का रहस्य नहीं जान सकता, क्योंकि शास्त्र तभी अनुभव में आते हैं जब हम शास्त्र की शरण लेकर के और जिनका यश गान करते हैं शास्त्र, जब हम उनकी प्राप्ति की लालसा करते हैं तो शास्त्र हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। पंडित लोग वेद पढ़ेंगे लेकिन बेचने के लिए। ब्राह्मण वेदों को बेचने में सकुचाएंगे नहीं, राजा प्रजा को खा डालने वाली होगी और वेद की आज्ञा कोई भी नहीं मानेगा। जिसको जो अच्छा लगेगा वही आचरण करेगा। जो ज्यादा डींग मार ले, ज्यादा पंडिताई झाड़े, मिथ्या बोले, उसे ही कहा जाएगा बड़े विद्वान है। जो अपनी डींग मार ले और खूब पंडिताई झाड़ ले और खूब मिथ्या बोले और जो जितना पाखंड रच ले, जितना दंभ कर ले, उतने बड़ा वो संत कहा जाएगा। अब ऐसे हम मंचों पे जाते हैं जैसे नौटंकी वाला अपने को सजा के नहीं जाता मंच पे, प्रभावित करने के लिए लाली लिपस्टिक काजल पूरा फिट करके। अब ऐसे हम भगवत चर्चा करने जा रहे हैं, किनकी? जिनका स्मरण करने से देह सुधि से ऊपर उठा जाता है, उन प्रभु की चर्चा करने के लिए हम ऐसे सजा के अपने को। बोलो किसको दिखाने जा रहे हो, गोविंद को या माया को? उद्देश्य है तो क्या भगवत चर्चा, क्या सत्संग? जब खुद शरीर में आसक्ति है शरीर सजाने में, तो क्या आप शास्त्रों का रहस्य जानेंगे? जब खुद मंत्र नहीं प्राप्त, खुद मंत्र का अनुष्ठान नहीं, खुद भगवत साक्षात्कार नहीं, तो क्या दूसरे को मंत्र, क्या दूसरे को उपदेश? कलयुग में ऐसे ही नाटक बढ़ेगा, जो जितना नाटक कर ले उतने बड़ा महात्मा कहा जाएगा। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान, जो दंभ कर ले वही बड़ा आचारवान, जो झूठ बोल ले हंसी दिल्लगी मजाक करना जाने वही गुणवान कहा जाएगा कलयुग में। जो आचारहीन है, जो वेद मार्ग से भ्रष्ट है, ऐसे कलयुग को, कलयुग में रहने वालों को ज्ञानी कहा जाएगा, वैराग्यवान कहा जाएगा। आचार भ्रष्ट शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले को कहा जाएगा ये बड़े ज्ञानी है, ये बड़े वैरागी है। जिसके बड़े बड़े नख हो, लंबी जटाए हो, यही पहचान होगी तपस्या की, ये बड़े तपस्वी है। जो अमंगल वेश धारण किए हुए, अमंगल भूषण धारण किए हुए, भक्ष भक्ष खाने में कोई सोचते नहीं है, उन्हीं को कलयुग में योगी कहा जाएगा, सिद्ध कहा जाएगा। कलयुग में वही लोग पूज्य होंगे जो जितना आडंबर कर ले। जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होगा। सम्मान के योग्य वही होंगे जो जितना नाटक दिखा ले। जो मन वचन कर्म से झूठ बोलने में बिल्कुल हिचकाते नहीं है, कलयुग में वही लोग बड़े यहां वक्ता माने जाएंगे। जितना झूठ बोल सको, जितना बात बना सको, वही उतना बड़ा प्रवक्ता माना जाएगा। ब्राह्मण अपर लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों से व्यभिचार करेंगे, ऐसा कलयुग का बड़ा तांडव होगा। कि सूत्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करेंगे और व्यास गद्दी पर बैठ करके पुराणों की कथा कहेंगे, सब मनमाना आचरण, कोई भी नीति को स्वीकार नहीं करेगा, धर्म विरुद्ध सब आचरण होंगे। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत होने लगेंगे। वे पाप करते हैं और फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग प्राप्त करते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोह वश उस पर तो कोई चलना ही नहीं चाहता। नए नए पंथ जिनमें खूब भोगों के लिए छूट है। अभी एक दिन किसी ने कहा
कि हम अपने परिवार को तुम्हारे यहाँ दीक्षा देने की सोचे थे, लेकिन इसलिए नहीं दिला सकते तुम्हारे यहाँ नियम बहुत है, नियम होने के कारण हम तुम्हारे यहाँ दीक्षा नहीं दिला सकते। तो दीक्षा का मतलब कहा क्या रहा कि भ्रष्ट आचरण करो और दीक्षा भी ले लो। अगर दीक्षा है और भगवत मार्ग में नहीं चलते तो फिर दीक्षा का मतलब क्या रहा? केवल ये बोर्ड लगाने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या कि हम वैष्णव हो गए हैं और प्याज लहसुन खाओ, गंदे आचरण करो, धर्म से ना चलो तो वो और अपराध बनेगा? इसीलिए तो कहा एक न सुनई एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। सन्यासी धन खूब एकाग्रता से धन संवारेंगे, जो सन्यासी है वैरागी है धन संवार कर खूब इकट्ठा करेंगे। वैराग्य नहीं रहा, विषयों ने उनकी मति का हरण कर लिया, तपस्वी धनवान देखे जाएंगे और दरिद्र पाए जाएंगे गृहस्थ जन। गृहस्थ जन दरिद्र और त्यागी वैरागी धनवंत कलयुग की बड़ी विचित्र लीला थे, तात कहने में नहीं आ रही। जो कुलवती सील सदाचार से युक्त सती स्त्री है उसको ठोकर मार के निकाल दिया जाएगा और जो वैश्या प्रवृत्ति के उसे घर में सजा के रखा जाएगा। माता पिता को पुत्रजन तभी तक मानेंगे जब तक दुल्हन का मुंह नहीं देखा। जब से ससुरार प्याली लगने लगी तब से परिवार के सब दुश्मन नजर आने लगे, माता पिता भाई बंधु सब दुश्मन, क्योंकि ये पत्नी प्यारी लगी, ससुरार साले सलाहकार हो गए। अब माता पिता गुरुजनों की सलाह की जरूरत नहीं है। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा, वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड दे करके उनकी दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग नीच जाति के होने पर भी अपने को धन के प्रभाव से सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। ब्राह्मण केवल जनेऊ मात्र रह गया है, नंगे बदन रहना तपस्वी का तपस्या का चिन्ह माना जाएगा। वेद और पुराणों को न मानना, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाएंगे जो वेद को न माने, पुराण को न माने और निर्वस्त्र रहे। अरे क्या बड़े दिगंबर रहते हैं, बड़े तपस्वी हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, कलयुग में कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड मान मोह काम ये सब ऐसा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगा, भजन करने के लिए समय नहीं दिया जाएगा। मनुष्य जब तप यज्ञ व्रत और दान आदि ये सब तामसी भाव से करेंगे, देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाएंगे, बोया हुआ धन उगेगा नहीं, बार बार अकाल पड़ जाएगा, लोग बिना अन्न के दुखी होकर के मरेंगे, बारंबार अकाल पड़ेगा। भजन कर लो, आगे जो कलयुग का प्रभाव आने वाला है वो भजन करने के लिए समय नहीं देगा। स्त्रियों के बाल ही भूषण होंगे और बहुत खाने वाली होंगी, धनहीन और ममता से युक्त सदैव लड़ाई झगड़ा करने वाली, सदैव दुख स्वयं भोगने वाली और परिवार को दुख प्रकट करने वाली। ऐसा अब आदमी काम करके आ रहा है, आते ही झंझट शुरू कर दी, झगड़ा शुरू कर दिया। मूर्ख स्वभाव वाली, धर्म में उनका बिल्कुल प्रेम नहीं रहेगा, थोड़ी बुद्धि कठोर हृदय कोमलता का नाश, ऐसे स्वभाव वाली स्त्रियां हो जाएंगी। मनुष्य रोगों से पीड़ित हो जाएंगे, कहीं भी किसी को शांति और सुख नहीं मिलेगा, बिना ही कारण एक दूसरे से विरोध, बिना ही कारण अभिमान करके जलना, बस 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन आगे रहेगा जो समय आने वाला है आगे, और घमंड ऐसा रहेगा मानो कल्पांत में भी नाश नहीं होना है। कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ेगा कि कोई बहन बेटी को भी नहीं बख्शेगा, विचारहीन पशु स्वभाव वाले, जिन बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए वो उन्हीं के साथ वे विचार करेंगे, ना संतोष होगा ना विवेक होगा ना शीतलता होगी, जाति कुजाति सब भीख मांग के खाने वाले हो जाएंगे। ऐसा हो रहा है, प्रारंभ हो चुका है कलयुग का। तो ये आचरणों का जितने आचरण कहे जा रहे हैं आप देख लीजिए, सृष्टि में सब आचरणों का प्रभाव पड़ने लगा है, आगे चल करके और इनका बोलबाला हो जाएगा। ईर्ष्या कड़वे वचन लालच से भरपूर लोग रहेंगे, किसी के हृदय में समता नहीं देखी जाएगी, सब लोग वियोग और विशेष शोक और अशांति से भरे पड़ेंगे। वर्णाश्रम धर्म का कोई आचरण नहीं मानेगा, इंद्रियों का दमन दान दया समझदारी किसी में नहीं रह जाएगी, केवल मूर्खता दूसरों को ठगना यही भाव बढ़ता चला जाएगा। स्त्री पुरुष केवल शरीर का पोषण, पराई निंदा करना, ऐसे ही लोगों की बाहुल्यता हो जाएगी। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु एक बहुत बढ़िया इसका गुण है, अपने लोग अगर इस गुण को पकड़ ले तो सारे अवगुणों पर विजय प्राप्त कर लेंगे।
बिना परिश्रम के घोर तपस्या से जो जो लाभ मिलता था वो बिना परिश्रम के इसमें मिल जाएगा। क्या? कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अर जोग जो गति होई सुकली हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग में त्रेता में और द्वापर में, सतयुग में त्रेता में द्वापर में जो पूजा यज्ञ और योग से गति प्राप्त होती थी, कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन और हरिनाम जप से बात बन जाएगी। कोई योग नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी, बस जिभ्या से नाम उच्चारण करते रहो। इसी से कलयुग का प्रभाव आपको छुएगा नहीं और आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जहां 10,000 वर्ष तक एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर वायु पीकर तपस्या करने से जो बात नहीं बनी, वहां नाम कीर्तन के प्रभाव से सहज में भगवत प्राप्ति की बात है। कलयुग का बहुत बढ़िया प्रभाव है कि अगर इसमें हरिनाम जपा जाए तो कोई भी दोष आपको पकड़ नहीं सकता। और जो और युगों में बड़ी बड़ी तपस्या से जो वस्तु प्राप्त होना कठिन थी, इसमें केवल हरिनाम जप से प्राप्त हो जाएगी। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भोसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार की यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री हरि के श्री चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन कलयुग में तो केवल हरि नाम कीर्तन, हरि नाम जप और हरि के गुणों की गाथा श्रवण और गान करने से सहज में भव सागर से पार हो जाते हैं, भव सागर की थाह ले लेते हैं। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है, केवल प्रभु श्री हरि का गुणगान एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग करके केवल श्री हरि का भजन करो, प्रेम सहित श्री हरि के गुणों का गान करो, श्री हरि के गुणों का श्रवण करो, सहज में भव सागर से पार हो जाओगे। कलयुग का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर, ताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक महान प्रताप है कि मानसिक पुण्य प्राप्त हो जाता है लेकिन मानसिक पाप नहीं लगता। अगर मानसिक पाप लगता तो हम लोग घोर नरकों को भोगते। कलयुग का एक महान प्रताप है कि मानस का पुण्य तो प्राप्त होता है लेकिन पाप नहीं प्राप्त होता। जिनका प्रभु के चरणारविंद में प्रेम है, कलयुग का कोई भी धर्म उसके ऊपर व्याप नहीं सकता। जो निरंतर प्रभु के चरणारविंद का चिंतन करते हैं, कलयुग का माया का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। हे पक्षीराज, जैसे बाजीगर का किया हुआ चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा दुर्गम है, लेकिन जमूरे के लिए वो कोई खास बात नहीं है क्योंकि वो हर रहस्य जानता है। ऐसे जो भगवान का सेवक है, सतत भजन में रहता है, तो ये काल अर्थात कलयुग आदि का प्रभाव, माया आदि का प्रभाव उसे अपने वश में नहीं कर सकता, वो सारा रहस्य जान जाता है। तो प्रभु के प्रताप से इनका प्रभाव ना पड़ने का कारण है निरंतर नाम स्मरण। कितनी बढ़िया बात है, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाही। बिल्कुल ठीक सिद्धांत है। जब तक आप हरि का भजन नहीं करेंगे तब तक ये माया का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव आपको रौंद डालेगा। अगर हरि भजन करोगे तो इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, भजिए राम तज काम सब अस विचार मन माही। समस्त कामनाओं का त्याग करके प्रभु के चरणारविंद का चिंतन करो, जिससे कलयुग का कोई भी प्रभाव न पड़े। नहीं तो निश्चित ऐसे कर्म बन जाएंगे जो हमारे मनुष्य जन्म का हेतु भगवत प्राप्ति है, हमें उससे वंचित रहना पड़ेगा। सतत नाम कीर्तन, नाम जप, प्रभु की चर्चा श्रवण, प्रभु की चर्चा करना, यही कलयुग का प्रधान साधन। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।